नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रतन जोत के फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। रतन जोत एक प्रकार की औषधि है। इसके बीज से तेल भी तैयार किया जाता है। इस तेल का उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने, त्वचा का रूखापन दूर करने, दांत खाज और खुजली से छुटकारा दिलाने, पेट के कीड़ों को नष्ट करने, गुर्दे की पथरी से छुटकारा दिलाने और शरीर से जहरीले पदार्थों को दूर करने के लिए किया जाता है। रतन जोत का उपयोग बालों की कई समस्याओं जैसे बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना आदि में भी किया जाता है। इसके अलावा रक्त के शोधन के लिए भी रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसके अन्य फायदों के बारे में जानते हैं। रतन जोत बालों को झड़ने से बचाता है, इन्हें मजबूत बनाता है। बालों को मजबूत बनाने के लिए 50 ग्राम दही में एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक ग्राम काली मिर्च पाउडर और थोड़ा रतन जोत डालकर इन सभी को आपस में मिलाकर एक मिश्रण बना लें। अब इस मिश्रण को सिर में लगाएं। लगभग 20 मिनट बाद सिर को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इस घरेलू उपचार को सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर ट्राई करें। जिन लोगों को गठिया है वे सरसों तेल में रतन जोत डालकर हल्का गुनगुना कर लें। इस तेल से मालिश करें, इससे गठिया रोग में बेहद आराम मिलेगा। रतन जोत पौधे के पत्ते को पीसकर इसके रस को शहद के साथ मिलाएं। इसे चाटने से रक्त साफ होता है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हो उन्हें रतन जोत पौधे की जड़ को पीसकर इसके रस को नाक में डालें। इस उपचार को लगातार अपनाने से मिर्गी के दौरे नहीं आएंगे। रतन जोत पौधे की पत्तियों को पानी में उबालकर चाय बनाकर पीने से हृदय रोग से बचे रहते हैं। कुछ लोग इसकी जड़ को पानी में घिस कर अपने माथे पर लगाते हैं। उनके अनुसार इस उपचार को करने से उन्हें डिप्रेशन नहीं होता और मानसिक क्षमता बढ़ती है। इसके चूर्ण को तेल में मिलाकर मालिश करने से त्वचा का रूखापन दूर होता है। इसके अलावा इसके उपयोग से दांत खुजली से छुटकारा मिलता है। अगर किडनी में स्टोन है तो उसे नियमित रूप से रतन जोत के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाएं, इससे पथरी की समस्या दूर हो जाती है। तो आइए दोस्तों, रतन जोत के कुछ नुकसान के बारे में भी जानते हैं। रतन जोत का अधिक मात्रा में सेवन करना आपके लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए रतन जोत का सेवन खतरनाक हो सकता है। रतन जोत का बीज जहरीला होता है, इसलिए इसका सेवन न करें। रतन जोत के फल और पत्तियों के सेवन से आप बीमार भी हो सकते हैं। रतन जोत का तेल खाने लायक नहीं होता है। गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रतन जोत का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सब इसी अनुरोध है कि रतन जोत के उपयोग करने से पूर्व चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। इस तरह की और हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।